रामनगर में किन्नर समाज का राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में देश के कई राज्यों से करीब 300 से अधिक किन्नर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए रामनगर पहुंचे हैं। सम्मेलन के माध्यम से यहां जुटे किन्नर समाज ने जहां एक और आगामी पर्व की देश और प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ ही सभी के खुशहाल होने की कामना की है, तो वहीं उन्होंने सम्मेलन के माध्यम से अपने दर्द को भी बयां किया है। किन्नर समाज के लोगों ने सम्मेलन के माध्यम से बताया कि दुनिया में उनके भगवान और धरती पर जनता के अलावा कोई भी उनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि आज कुछ लोग उनके समाज के लोगों की नकली रूप में किन्नर बनकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अब सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की भी जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किन्नर समाज बोर्ड का गठन कर उनका सम्मान किया गया है, उसी प्रकार केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी किन्नर समाज बोर्ड का गठन करे और उन पर आ रही परेशानियों के निदान को लेकर भी कोई ठोस नीति तैयार करे। रामनगर में ये सम्मेलन किन्नर रेशमा और याना खान के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि सबको पता है कि आज 3 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, सभी देश प्रदेश से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से किन्नर आए। बहुत अच्छा लगा, हमने भी याद किया, ये हमारे पास आया। मेरे SDM साहब ने, मेरे कोतवाल साहब ने, मेरे मीडिया क्लब वाले अपने भैया ने मेरा सब सहयोग किया। और हमने तो यही दुआ करते हैं हम लोग के बच्चे वाले के बच्चे जीते रहे। सारे मेरे जितने पंच आए, जितने मेरे ब्रदर आए, सब यही दुआ करते हैं। यहाँ हमारी उत्तराखंड की, हमारी मालक प्यारी माई की 40वां और रोटी और घड़ा, उसके अंदर हमारी रेशमा जी बहुत सहयोग दिया। हमारे यहाँ की बाहर से जितने भी आए उन लोगों की बहुत इज्जत किया हमने। आपकी उत्तराखंड की जो प्रशासन की, उत्तराखंड की मीडिया की, उत्तराखंड की जो जनता जनार्दन है, उन लोगों को हम ते दिल से मंगलामुखी समाज से ब्रैकेट में किन्नर लगाते हैं, मगर हम मंगलामुखी सही माने माना जाए तो हम मंगलामुखी लोग, जितने भी हम प्रदेश से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, जितने भी आए ना, सबसे हम उत्तराखंड की जनता जनार्दन को ते दिल से नमस्कार करते, धन्यवाद करते हैं और दिल से हम दुआ देते हैं परम पिता परमेश्वर, जितना मेरा उत्तराखंड की जजमान है उनकी परेशानी दूर होवे, उनके दिन दुगने।